नमस्कार, कीर्तिस किचन केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ कीर्ति। आपके घर में केले तो आते ही होंगे, और जब केले ज्यादा पक जाते हैं, जैसे कि देखिए ये पकना शुरू हो गया है और एक आध दिन में ये बिल्कुल काले पड़ जाएंगे, तो आप ज्यादा पके हुए केले का क्या करते हैं? आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो सबको बहुत पसंद आने वाला है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो याद से लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल कीर्तिस किचन केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमें चाहिए एक कप आटा होल व्हीट फ्लोर। इसमें मिलाएंगे एक चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा, और इसको छान लेंगे अच्छे से। आप आटे के बदले आलमंड फ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लूटेन फ्री होता है वो। इसको अच्छे से हम छान लेंगे, आप चाहे तो दो बार छान सकते हैं। अब इसको साइड पे रख लेंगे बाद में यूज करने के लिए। पके हुए केले तीन ले रही हूँ, एक केला 100 ग्राम के करीब है। इसको पहले छिलका निकाल के अच्छे से हम पील कर लेंगे और इसको मैश कर लेंगे। ये बहुत पके हुए केले हैं तो आसानी से मैश हो जाते हैं, आप चाहे तो चम्मच से, नहीं तो हाथ की मदद से अच्छे से इसको मैश कर लीजिए। अब बेकिंग ट्रे को हम ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा तेल लगा के। कोई भी बेकिंग ट्रे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक बटर पेपर लगा रही हूँ ताकि आसानी से हमारा जो केक है वो निकल जाए। अब एक ब्लेंडर जार में 3/4 कप गुड़, 1/4 कप मिल्क, हमारा जो मैश किया हुआ बनाना था उसको डालेंगे, 1/4 कप तेल डालेंगे, ये वेजिटेबल ऑयल है। इसके साथ 1/2 चम्मच दालचीनी का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल देंगे। इन सारे चीज़ों को अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। एकदम स्मूथ बैटर होना चाहिए। ये देखिए हमारा जो बैटर है एकदम रेडी है अभी। अब जो सूखा इंग्रेडिएंट्स था, मतलब जो आटे का मिक्सचर, उसको धीरे धीरे करके हम इसमें फोल्ड करते जाएंगे। एक बार से नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके अच्छे से फोल्ड करते जाएंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। गुड़ के बदले आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे शुगर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम जो बैटर का कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरह का होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसी टाइम पे हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा अखरोट। इसमें थोड़ा आटा डस्ट कर लेते हैं ताकि जो केक के नीचे ये बैठ ना जाए। इसके ऊपर हम थोड़ा सा डाल देंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा मैं बच्चों के लिए चोको चिप डाल रही हूँ, इसको भी थोड़ा डस्ट कर लेते हैं फ्लोर से, आटे से, और इसको भी इसमें डाल देंगे। इसी तरह करने से ये जो है नीचे नहीं बैठता है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी अब ये रेडी है हमारा केक का बैटर। अब इसको हम केक टिन में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसी तरह का कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा टैप कर लेते हैं 2-3 बार, और इसके ऊपर थोड़े से वॉलनट और चोको चिप से हम गार्निश करेंगे। आप चोको चिप और वॉलनट अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज्यादा या कम। अब इसे हम बेक करने के लिए ओवन पे रखेंगे मिडिल रैक पे 180 डिग्री सेल्सियस या 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 40 से 45 मिनट तक प्री हीटेड ओवन पे हम इसे बेक करेंगे। अब ये बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं एकदम क्लियर आ रहा है टूथपिक हमारा। इसको हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख लेंगे, उसके बाद डीमोल्ड करेंगे। साइड से
ऐसे हम निकाल लेंगे पहले, इसके बाद इसको डीमोल्ड कर सकते हैं। बहुत ही स्पंजी मॉइस्ट बना है हमारा जो केक, कितनी आसानी से ये निकल गया है। बटर पेपर लगाया था मैंने, इसको अभी काट के दिखाती हूँ। एकदम स्पंजी बना है, मॉइस्ट बना है और ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, हेल्दी है। इसमें हमने चीनी नहीं मिलाया है, देख सकते हैं, बटर भी नहीं डाला हुआ है, थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आप देख सकते हैं कितना स्पंजी है, बहुत ही डिलीशियस ये बन के रेडी हो जाता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।